नेक्स्ट एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें कुछ की प्रोविजंस थे जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउ इन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 गवर्नर जनरल का जो अथॉरिटी था उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया गया विजावी दी अदर गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज लाइक बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चार्टर एक्ट में वी आर प्रोसीडिंग गवर्नर जनरल का जो है वो पावर थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। एंड वी विल सी इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जहां पर ये सुप्रीम पावर जो है वो इनको दे दिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस एक्ट को, क्योंकि देखिए जनरली वी इग्नोर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, आप बहुत जगह जो है इसका इंपॉर्टेंस नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें एक दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। एक था यहाँ जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एडिशनल 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। पता है आपको ये जो चार्टर है ये हर बार रिन्यू होता था, जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स जो मिला हुआ था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को वो फर्दर 20 ईयर्स जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर और इंपॉर्टेंट देखें, एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट और है दैट इज मेंबर जो थे बोर्ड ऑफ, हमने पढ़ा था जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो बॉडी बनाई गई थी 6 मेंबर्ड बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनके जो सपोर्ट स्टाफ थे उनका जो सैलरीज था दैट विल बी फंडेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। इसमें बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ हैं उनको जो सैलरी है वो अब आप पे करेंगे फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या क्या थे, तो आप एक दो पॉइंट्स याद रख सकते हैं। चलिए